तो यहाँ पर शिव भगवान जी का शिवलिंग है और सोलंग वैली में सबसे जबरदस्त चीज है वो है पैराग्लाइडिंग, जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। और निशा कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। जस्ट अभी हम जोगनी फॉल का ट्रैक है वो कंप्लीट करके वापस आ गए हैं और पार्किंग में खड़े हैं इस वक्त। अभी हमारा जो प्लान बना है वो है सोलंग वैली जाने का। सोलंग वैली का डिस्टेंस यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर का है। आज के दिन में दो व्लॉग हो जाएंगे क्योंकि जोगनी फॉल को काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो देख सकते हो, अगर मनाली घूमने आ रहे हो तो वो ट्रैक काफी पसंद आएगा आपको। और अभी सीधा सोलंग वैली के निकल रहे हैं, वहाँ पर काफी अच्छी जगह देखी हमने नेट पर, काफी लोगों ने बताया भी, सजेस्ट भी किया है, तो अभी वहीं पर जा रहे हैं। निशु कैसा लगा जोगनी फॉल ट्रैक करके? एक नंबर, मजा आया, बहुत मजा आया। अनुज जी आपको कैसा लगा? वहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी है वाकई में, सर्दी के कपड़े आपको जरूर ले जाने चाहिए वहाँ पे। हाँ बहुत ही अच्छा फील हुआ और रास्ते में आपको बहुत शानदार नजारे मिलेंगे उधर, व्यू फोटो क्लिक कर सकते हो आप शानदार। बिल्कुल, फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह के लिए काफी अच्छी लोकेशन है जोगनी फॉल, जहाँ पर हम अभी जाकर आए हैं। अभी तक तो रोड काफी अच्छी नजर आ रही है, बहुत प्यारी रोड है सोलंग वैली की तरफ जाने के लिए। और इस तरफ देखिए जो आपको सामने पहाड़ नजर आ रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा फॉग है, फॉग के साथ में कल शाम को हुई स्नोफॉल से भी ढके हुए हैं। सोलंग वैली की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते के अंदर जिप लाइन भी नजर आ रही है, अगर आपको जिप लाइन करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो, 1500 मीटर का दिखा रखा था बोर्ड पर। सो हम सोच रहे हैं अगर आते वक्त टाइम रहा और सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग रहा तो जिप लाइन की जाएगी। तो हम लोग सोलंग वैली पहुंच गए हैं और यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ ये है, यहाँ से आप जो रोप वे देख रहे हो पीछे, इससे आप ऊपर भी जा सकते हो जहाँ पर आपको थोड़ी बहुत स्नो मिल सकती है, क्योंकि ये स्नो का सीजन नहीं है इस वजह से। बाकी एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी सुंदर जगह है और यहाँ पर होटल्स वगैरह भी है, खाने पीने के लिए जगह भी है और प्लेन एरिया, इस वजह से आप यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो जो भी आप हिल स्टेशन में करना चाहते हो। सोलंग वैली में थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग अभी यहाँ पर एक शिवा टेम्पल है जो लगभग नीचे रोड से 2.5 किलोमीटर ऊपर है और सभी लोग बोल रहे हैं कि आप खच्चर कर लो, खच्चर म्यूल पे चले जाओ, लेकिन क्यों म्यूल को परेशान करना जब अच्छे खासे पांव दिए हैं, पूरी एनर्जी है। तो हम तीनों ने डिसाइड किया है कि हम लोग भाई वो के ऊपर चढ़ेंगे, बिल्कुल चलेंगे, और कितना भी टाइम लग जाओ चाहे, मज़ा तो तभी आएगा ना जब सिपाही भाई वो करके जाएंगे भगवान शिवा के टेम्पल में तब। और एक चीज़ और, यहाँ पर जब भी आप आते हो तो अपनी जो वाटर बॉटल्स हैं वो नीचे से अपने होटल वगैरह से फिल करके लाना, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ के डबल प्राइजेज है। तो अपना पानी वगैरह और चीज़ें जो है स्नैक्स वगैरह कैरी करें साथ में, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी, अपने बैग में रख लो छोटा सा बैग टांग कर और ईजिली आप जा आ सकते हो। तो ये 2.5 किलोमीटर का जो सफ़र है वो स्टार्ट हो गया है शिवा टेम्पल के लिए और मज़ा आने वाला है। तो ये जो लोगों ने बोला था कि बहुत लंबा रास्ता है 3-4 किलोमीटर का, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो का आप हार्डली 20 मिनट में पहुंच जाओगे, 20 या 25 मिनट मान लो, अगर आप अच्छी फिजिक अच्छी है तो आप 20 मिनट में पहुंच जाओगे और थोड़ा रुक रुक के आओगे तो हार्डली 30 से 35 मिनट में, क्योंकि हमें सामने नज़र आने लग गया वहाँ पर, तो शायद वही शिवा टेम्पल है। बाकी बहुत ही मस्त नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ से। जब सर्दी का मौसम होता है, नवंबर दिसंबर का महीना होता है, तो यहाँ पर पूरा बर्फ़ से ढका रहता है पूरा एरिया, खासकर सोलंग वैली, वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और ये फुल ऑफ स्नो रहती है यहाँ पर। और अभी जो मंथ है इसमें भी काफ़ी सारे ट्रैवलर्स आए हुए हैं, क्योंकि अभी जो दिन चल रहे हैं वो हॉलीडेज़ वगैरह के डे चल रहे हैं, क्योंकि हॉलीडेज़ के टाइम बच्चों की छुट्टियाँ हो रखी हैं और स्कूल के बच्चे काफ़ी टूर पर आ रखे हैं। और इस तरीके से आप ये स्कूटर्स जाते हैं, इन पर भी आप जा सकते हो, शायद स्कूटरी बोलते हैं उनको, मुझे आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर दो मंदिर हैं, एक मंदिर इस तरफ है और दूसरा जो टेम्पल है वो आगे जाकर उस साइड में है। सो पहले हम ऊपर वाले मंदिर में जा रहे हैं, उसके बाद जब वापस आएंगे तो यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर शिव भगवान जी का मंदिर है और लोकेशन काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर एक और सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं वो वाली, तो देखते हैं वो कहाँ पर जा रही हैं, शायद वहाँ पर एक फ्रोजन
वाटरफॉल है उसकी तरफ जा रही होंगे तो उधर भी जाया जाएगा। सामने एक मंदिर वहां पर है और दूसरी जो जगह यहाँ पर एक फोटो लगा रखी है। तो जब स्नोफॉल होती है तो सारा ढक जाता है और यहाँ पर एक आंटी जी उन्होंने बताया कि ये जो जगह है ये पूरा जम जाता है और यहाँ पर एक शिवलिंग बनता है, बहुत बड़ा शिवलिंग, वो भी बर्फ से बनता है। तो उस टाइम तो और ज़्यादा अच्छा नज़ारा होता होगा। अभी भी यहाँ पर देखो ये वाइट वाइट जो है स्नो है, आगे वहाँ भी वाइट वाइट जो स्नो है। तो अभी भी यहाँ पर काफ़ी ठंड है और गर्मी का तो नाम भी नहीं है, गर्मी होती तो सारा मेल्ट हो जाता। तो यहाँ पर शू रिमूव करने उसके बाद ऊपर की तरफ जाना है। तो यहाँ पर शिव भगवान जी का शिवलिंग है और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी शिवलिंग है और बहुत प्यारा इसके ऊपर से वाटरफॉल गिर रहा है, तो बेहद खूबसूरत लग रहा है। अगर आप सोलंग वैली या मनाली आते हो तो इस जगह पर आप विजिट ज़रूर करें, आपको टोटली डिफरेंट और बहुत अच्छा लगेगा। हल्की हल्की यहाँ पर ठंड भी है बट काफ़ी अच्छी जगह है। अभी जो मैंने आपको शिवलिंग दिखाया उसको अंजनी महादेव जी के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध हैं और वहाँ पर काफ़ी स्पेशल कहानी भी थी, ये भी थी कि किस तरीके से शिव भगवान ने दर्शन दिए थे और सन 2000 में यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना हुई थी। अब इसके साथ ही वहाँ नीचे से हम लोग सीढ़ियाँ चढ़कर ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आगे कोई जगह बताई और वहाँ पर कोई वाटरफॉल भी है, फ्रोजन वाटरफॉल, जमा हुआ पानी का झरना भी है तो वो भी देख लिया जाएगा। ये लोकेशन ज़्यादा अच्छी लग रही थी, ये दृश्य है कुछ आगे का तो मज़ा आने वाला है। मैं जब भी किसी जगह जाता हूँ तो कोई भी जगह छोड़ता नहीं हूँ आसपास की, पता नहीं वहाँ से क्या नज़ारा दिखेगा क्या होगा। सो लेट्स गो। तो जो ऊपर रास्ता आता है वो यहाँ इस आश्रम तक आता है और आश्रम के सामने से यहाँ नीचे से एक रास्ता जा रहा है जो आप ये देख रहे हो, ये शायद कभी नाले या जो गर्मियों का जो एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है जून जुलाई के महीने में तब तो सारी स्नो मेल्ट होकर यहाँ से पानी गुजरता है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि यहाँ से पानी मिलता है, बाकी आप आगे देख रहे हो वहाँ पर जितने भी आपको वाटरफॉल्स हैं सारे के सारे फ्रोजन या जम चुके हैं। वहाँ भी आप अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो बाई वॉक करके, या फिर आप ये जो म्यूल्स हैं इनके थ्रू भी आप जा सकते हो। तो अभी वहाँ जाने का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि कल हम लोग जा रहे हैं रोहतांग पास, तो वहाँ पर हम लोग नज़ारे लूट सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी ये देखिए यहाँ तक आने का खूबसूरत यानी जन्नत का रास्ता जिसे कहते हैं वो मनाली में मिल गया है। ये पीछे जो आश्रम है यहाँ तक ये सीढ़ियाँ आती हैं, उसके आगे आप जा सकते हो बाई वॉक करके आगे। और अभी तेज़ धूप आ गई है, बहुत तेज़ धूप, सो बादल वगैरह चले गए हैं और अभी भी हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। सो अब हम सोच रहे हैं यहाँ से नीचे जाया जाए, काफ़ी टाइम हो गया है, शाम के 4:10 हो गए हैं और काफ़ी अच्छा दृश्य है यहाँ से। सोलंग वैली में सबसे ज़बरदस्त चीज़ है वो है पैराग्लाइडिंग, जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये काफ़ी सही जगह है। और यहाँ पर आपको जो आप सामने जो दिखाई दे रही है वहाँ पर 1000 रुपये और उसके ऊपर जाओगे तो 3200 रुपीज़ है, जिसमें आपको जो ये रोप वे है उसमें भी आपको ऊपर लेकर जाते हैं वहाँ से, और वहाँ से फिर आपको पैराग्लाइडिंग करवाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। ऊपर 15-20 मिनट तक आपको हवा में रखते हैं, ये 1000 रुपये का। अभी हम लोग आ गए हैं काउंटर नंबर 69 पर, जो हम तीनों का जिप लाइन का चार्जेज है उन्होंने 1000 रुपीज़ कर दिया है, वैसे 400 रुपीज़ बता रहे थे। तो सबसे पहले अनुज जी जा रहे हैं, देखते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, उसके बाद निशा और उसके बाद मैं जाऊंगा। तो जिप लाइन फाइनली हम करने की सोच रहे हैं कि चलो ज़्यादा बेटर रहेगा, उधर नहीं कि थोड़ा नीचे आते मनाली की तरफ आते तो रास्ते में पड़ता है। निशु एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा। पहली बार कर रही है कोई इवेंट? पहली बार। और आपका क्या ख्याल है? फोटो खींचो, हमारी फोटो खींचो। फोटो खींच रहे हैं, आर्मी में तो आपने बहुत की होंगी जिप लाइन। ये तो है। चलो ये छोटी मोटी जिप लाइन भी करके देख लो इंडियन आर्मी के अलावा। भाई काफी रोमांच होने वाला है। निशु जाओ आराम से करके। एक्सपीरियंस रहा आपका? अरे बहुत शानदार। मजा आया। रिवर के ऊपर जाने से तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर निशा भी आ रही है अभी ऑन द वे। आराम से देख के, आराम से आजा आजा। और निशा कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो। मजा आया? तो बहुत मजा आया। नहीं मेरे को ट्रिप बिल्कुल भी नहीं लगा, मेरे को ट्रिप मेरे हाथ चले कर लिए थे पूरे। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत मजा आ रहा है।
All sets. ए, मेरा टाइम है और देखते हैं कैसा लगता है। जिप लाइन में पहली बार कर रहा हूँ। कौन है? हाँ, स्ट्रेट करो, GoPro। उस साइड से तो आ गया, अभी यहाँ से मुझे वापस जाना है, तो एक और बार फन करने को मिलेगा। काफी मजा आया, मतलब स्वाद आ गए, और अभी वापस जा रहे हैं। इसके ऊपर चढ़कर ऊपर जाना है। भैया हेलमेट दोबारा बांधना एक बार थोड़ा सा ना। ऑल सेट, दूसरी बार जा रहा हूँ, रिटर्न वाला होने वाला, तो बहुत मजा आएगा। हो गए दोनों लोग, चले। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफी इंटरेस्टिंग था। कैसा लगा? कौन? तो फाइनली वापस होटल में आ गए हैं, और आज का दिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। आपने देखा किस तरीके से हमने जोगनी फॉल्स जो लास्ट ब्लॉग में देखा था, और अभी सोलांग वैली वगैरह जो टेम्पल वगैरह दिखाया, बहुत ज़बरदस्त था, मज़ा आ गया जाकर। कल का दिन काफ़ी स्पेशल है मेरा, क्योंकि मैं पहले भी मनाली आया था लेकिन उस जगह नहीं जा पाया था, और इस बार भी मैं मनाली आया हूँ लेकिन इस बार मुझे उस जगह जाना है, तो उस चीज़ के बारे में हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बता दूँ? चलो बता ही देता हूँ। सो कल हम लोग जा रहे हैं रोहतांग पास, जो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, और उसका कंप्लीट आपको इसमें जानने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर बताओ वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी।